दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। शुरुआत करते हैं अभी की पांच बड़ी खबर के साथ, उसके बाद हम बात करेंगे महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के मौसम में टिकटों को लेकर जारी घमासान के बीच में भाजपा के पार्टी ने 9 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनमें से अधिकांश लोजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय मंत्री रामेश्वर चौरसिया, पूर्व विधायक डॉक्टर उस्मा गुजार, विधायक रविंद्र यादव, इंदु कश्यप, श्वेता सिंह, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप पर कार्रवाई के दायरे में आए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इन बागी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार द्वारा जारी स्पष्टीकरण चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल करीब 5 माह पूर्व मिट एक चिकित्सक की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई। इसके बाद चिकित्सक की ड्यूटी ज्वाइन न करने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण जवाब भी 24 घंटे के अंदर देने का निर्देश दिया गया। जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से उनकी मौत से एक दिन पहले मिलने की बात को गलत बताया। रिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर यह जानकारी दी और ऐसा आरोप लगाने वाले सुशांत की पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही CBI टीम को लिखे पत्र में रिया ने कहा कि सुशांत की पड़ोसी डिंपल थावनी ने जांच को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ जानबूझकर गलत आरोप लगाए। रिया ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून 2020 को अपने कार से उसे उसके घर छोड़ा था। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोलने का साहस करने की स्वतंत्रता को पूरी तरह प्रभावित करने के लिए कानून के उपयोग और दुरुपयोग के घातक कॉकटेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलिए अब बात करते हैं महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर जो चतुर्थ मुकाबला होगा। चतुर्थ कहने का मतलब चार कोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर सत्येंद्र नारायण सिंह होंगे, दूसरी तरफ राजेश सिंह होंगे, अगली तरफ जो होंगे श्रीमती अजय यादव, और उसके बाद जो होंगे वह होंगे अजय कुमार गुलगानी, जिनको प्रबल दावेदार के रूप में भी इस बार माना जा रहा है। लेकिन वहीं पर दो युवा नेता भी होंगे, एक होंगे जो सुधीर कुमार और दूसरे होंगे जो राम मोहन राय। तो महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। हम इसलिए हॉट सीट कह रहे हैं क्योंकि महोत्ती नगर विधानसभा चुनाव में इस बार JNU के काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं प्रचार करने के लिए महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र में। तो JNU आप जानते हैं कि देश का गिना चुना विश्वविद्यालय है, जिसके छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार भी इस बार महोत्ती नगर विधानसभा चुनाव में अपना यहां पर बात रखने के लिए जरूर आएंगे महागठबंधन की तरफ से। वहीं JNU के और भी प्रत्याशी के प्रचार में आए, JNU का जो भी और वहां से स्टूडेंट होंगे वो प्रचार करने के लिए इस बार महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, जो अलग अलग प्रत्याशी यहां पर हैं। अजय कुमार गुलगानी की तरफ से भी इस बार JNU के कुछ छात्र छात्राएँ आएंगे प्रचार करने के लिए। तो अजय कुमार गुलगानी ने इस बार कमर कस लिया है और महोत्ती नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो हो रही है समस्या, उन लोगों को लेकर लोगों के बीच में जाने की कोशिश लगातार जो करते आ रहे हैं और लगातार अपने बात को रखने में सफल भी हो रहे हैं। और अभी तक का जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है वोटों के हिसाब से, उसमें अजय कुमार गुलगानी और सत्येंद्र नारायण सिंह दोनों का आमने सामने के बीच में सीधा और सीधा लड़ाई हो रहा है। तो आप लोग इन दोनों में से किसी के सपोर्टर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये भी बताएंगे कि आपको इस बार जो युवा वोटर होगा किस तरफ उनका रुझान है। तो जैसा कि हम युवा प्रत्याशी के रूप में हमने नाम लिया कि सुधीर कुमार, जिनका नामांकन कल होगा, राजेश सिंह उनका भी नामांकन कल होगा, यहाँ श्रीमती अजय यादव का भी नामांकन कल ही होगा, और राम मोहन राय उनका नामांकन 15 को होगा, और जहाँ तक मुझे जानकारी है अजय कुमार गुलगानी जी का भी नामांकन कल ही होगा। तो सारे लगभग जो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं उनका नामांकन कल ही होना है, क्योंकि कल हिंदू धर्म के हिसाब से जो मानते हैं वह बुधवार का दिन काफ़ी अच्छा होता है। तो
इसलिए कल नामांकन ये लोग कर रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नामांकन के बाद इन लोग का किस प्रकार का रणनीति तैयार होता है। लेकिन जो मोहद्दीनगर के राजपूत और यादव जो हैं, लगातार मोहद्दीनगर जो राजपूत हैं वो सत्येंद्र नारायण सिंह की तरफ अपना रुझान व्यक्त करते हुए, लेकिन जो यादव हैं इस बार अजय कुमार बुलगानी की तरफ अपना रुझान व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ। लोगों का यहां तक ये कहना है कि इस बार जो चुनाव होगा एक तरफा चुनाव अजय कुमार बुलगानी और सत्येंद्र नारायण सिंह के बीच में होगा। तो देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या सत्येंद्र नारायण सिंह निर्दलीय होते हुए इस बार बाजी मार पाएंगे। लेकिन लोगों का यही तो कहना है कि जो सहानुभूति वोट होगा, क्योंकि लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं तो सहानुभूति वोट का असर सत्येंद्र नारायण सिंह को इस बार पड़ने जा रहा है। जिस प्रकार 2005 में लोजपा के टिकट पर अजय कुमार बुलगानी सहानुभूति वोट के सहारे जीत हासिल किए थे, उसी प्रकार इस बार सत्येंद्र नारायण सिंह सहानुभूति वोट के सहारे ही अपना नैया पार कर पाएंगे। अगर यह तो दिलचस्प होगा, जब 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो देखना बड़ी बात होगा तो सत्येंद्र नारायण सिंह किस प्रकार से अपनी आगे की जो अभी 20 दिन 25 दिन बाकी है वो कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं ग्राउंड पर, उस प्रकार से ही उनका इस बार जो असर होगा वो देखने को मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में दिखेगा। लेकिन जहां तक अजय कुमार बुलगानी अभी लगातार फील्ड में वर्क करते नजर आ रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, सारे प्रत्याशी जो हैं संपर्क कर जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार जो दलित महादलित अति पिछड़ा है वह वोट सिर्फ और सिर्फ दो ध्रुवों में बंटता हुआ दिख रहा है। एक है सत्येंद्र नारायण सिंह और दूसरे हैं अजय कुमार बुलगानी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिसको भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं और मायावती का समर्थन अजय कुमार बुलगानी को प्राप्त हो, तो आप लोगों को पता होगा कि लगभग 1 से 1.5 लाख यहां पर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में अन्य जाति के लोग हैं जो प्रमुख जातियां हैं उनसे अलग हैं, 1 लाख वोटर है। तो 1 लाख वोटर जो है, अगर जो बैकवर्ड जाति के हैं, अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद मिलकर अगर चुनाव से कुछ भी प्रतिशत अगर वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे तो सीधा अजय कुमार बुलगानी को फायदा होगा, और यह सीधा सीधा नुकसान सिर्फ और सिर्फ राजेश सिंह को ही होगा। क्योंकि राजेश सिंह, आप जानते हैं कि राजेश सिंह को 2015 में जब चुनाव हुआ था तो सिर्फ उन्हें जो 22,000 मत प्राप्त हुए थे उन्हें सिर्फ बैकवर्ड जाति का ही मत प्राप्त हुआ था। लोगों का कहना है कि राजपूत जाति के लोग उन्हें नेता नहीं मानते हैं। अगर वह बीजेपी के इस बार सिंबल पर आए हैं तो कुछ प्रतिशत राजपूत वोट उन्हें जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि राजपूत लोग उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। तो जो वोट होगा वह सीधा का सीधा सत्येंद्र नारायण सिंह के तरफ, जो राजपूत समुदाय का वोट ट्रांसफर होगा। और लगातार जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी सहानुभूति वोट के नाम पर इस बार सत्येंद्र नारायण सिंह को वोट दे सकते हैं, क्योंकि श्रीमती अजया यादव से इस बार मुसलमान लोग भी काफ़ी खफा हैं। क्योंकि लोगों का आरोप यह है कि श्रीमती अजया यादव जी सिर्फ गिने चुने व्यक्तियों से ही संपर्क करते हैं, तो इसलिए लोगों का काफ़ी ना कुछ ही देखने को मिला। लेकिन जब एक और बात सामने में आ रही, युवा भी काफ़ी श्रीमती अजया यादव से भड़के हुए, क्योंकि जब 2018 में युवाओं ने जब सड़क की मांग की तो उस पर उस लड़कों पर FIR कर दिया गया था। जो भी किसी तरह की कोई मांग करता है उस पर उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा आरोप युवाओं लगातार लगाते आ रहे हैं श्रीमती अजया यादव जी पर। क्योंकि वह 2018 में जब लोगों ने धरना दिया था कि हमें रोड की चौड़ीकरण हो, लगातार रोड बने, पटोरी मोहनपुर पटोरी जाने के रास्ता जो खराब है, बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने जाते हैं पटोरी लगातार गिर जाते हैं, जब कुछ डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो ऐसी घटना कहते हैं कि बीच में गाड़ी से जाते समय प्रसव कराने के लिए जाता है तो गाड़ी में ही ऐसा घटना सामने आया है। इसलिए अगर लगातार उस टाइम जब धरना कर रहे थे लगे तो उन पर FIR करवा दिया गया। ये सीधा सीधा आरोप श्रीमती अजया यादव जी पर लगा था। तो यह सब का नुकसान इस बार मोहद्दीनगर विधानसभा चुनाव में श्रीमती अजया यादव जी को उठाना पड़ सकता है। वहीं राजेश सिंह को भी इस बार उनके ही जाति के लोग इस बार वोट नहीं करने जा रहे हैं, इसका सीधा असर उन पर पड़ेगा। जैसा कि वो सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान के आ जाने से उन्हें रवि जो उनके जाति का है चिराग पासवान दलित वोट हैं उनको बैंक में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा, तो पहले से ही उनके वोट बैंक में वो जाति के वोट थे। लेकिन इस बार कटौती होगा क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती के आने से जो दलित महादलित थे वो सीधा पकड़ बनेगा बुलगानी अजय कुमार बुलगानी को। अजय कुमार बुलगानी इस बार तकरीबन वो भी 30,000 की आंकड़ा को पार करते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे चार प्रमुख कैंडिडेट हम आपको बताए हैं, अजय कुमार बुलगानी, सत्येंद्र नारायण सिंह, श्रीमती अजया यादव जी और राजेश सिंह, ये चारों में कड़ी फाइट होगी और को सभी कैंडिडेट तकरीबन
30,000 के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर नुकसान होने को दिखेगा वो 15,000 से 20,000 के बीच में ही राजेश सिंह का यह वोट का इस बार आंकड़ा रहने जा रहा है। बीजेपी के टिकट लेने के बावजूद लोगों का कहना है कि वह चर्चे में तो हैं, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिल सकता है, क्योंकि ना तो उनसे राजपूत समुदाय के लोग खुश हैं, ना ही इस बार यादव समुदाय के लोग, क्योंकि ऐसा यादव समुदाय कुछ प्रतिशत अगर चले भी जाते हैं तो राजपूत जो उनसे ना खुश हैं, उनसे उनके काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, और इस बार तो उन्हें बैकवर्ड जाति के भी लोग उन्हें वोट नहीं करने जा रहा है। ऐसा जब हम उनसे बात किए थे, जैसा कि आपको हम दिखाएं डुमरी का वीडियो, जब वहाँ पर कोई भी नेता सिर्फ बात करके चला जाता है, किसी प्रकार का रोड मुहैया हम लोग को नहीं करा है, तो ये सब बातें लगातार सामने आ रही है। तो इस बार राजेश सिंह को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो सत्येंद्र नारायण सिंह, राज कपूर सिंह, उमा शंकर सिंह और अनिल सिंह ये सब उठा रहे हैं कि जो एक बार अगर बाहरी आपके मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र में आकर स्टेबल हो जाते हैं तो आपके घर का कोई नेता नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बाहरी आप सांसद बाहरी हैं, विधायक बाहरी हैं, सब जो आप सोनपुर छपरा ऐसे करके वो माहौल बना रहे हैं कि जो बाहरिया होगा बाहरिया को आप दे दीजिएगा तो मोदीनगर का नेता किस काम का रहेगा, आपका कैसे किसी प्रकार की जो सरोकार होगी वो पूरा कर पाएगा। इसलिए ये सब मांग को लेकर के चारों जो पहले से राज कपूर सिंह, उमा शंकर सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह पहले एक साथ रहते थे, अब उनमें उनका हाथ बढ़ाने आ गए हैं अनिल कुमार सिंह, वो भी लगातार राजेश सिंह का विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बाहरी विधायक है और शुरुआत में ही उन्होंने बाहरी और आंतरिक का मुद्दा रखा है। जो अंदरूनी होगा किसी चार में से कोई एक खड़ा होते, वैसा कि सत्येंद्र नारायण सिंह खड़ा हो रहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो उनका कहना है कि हम सत्येंद्र नारायण सिंह को इस बार मजबूत करके जिताएंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहें, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अगर ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहाँ भी फॉलो करें, अगर आप पब्लिक ऐप पर हैं तो आप पब्लिक ऐप पर भी News4ABB करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर यह वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।